लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। दो दिन पहले जारी कांग्रेस की पहली लिस्ट में भिंड संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए डॉक्टर भागीरथ प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में डॉक्टर प्रसाद औपचारिक तौर पर बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ली। डॉक्टर भागीरथ प्रसाद ने पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर भिंड से लड़ा था, जिसमें वो हार गए। पार्टी ने उन्हें एक बार फिर यहां से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। कांग्रेस ने राज्य के 22 संसदीय क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, जिसमें डॉक्टर प्रसाद का नाम भी शामिल था, लेकिन अब वो कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं और माना यह जा रहा है कि उन्हें बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। पिछली बार भागीरथ प्रसाद कांग्रेस के टिकट से चुनाव हार गए थे। इस बार एक बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें भिंड से टिकट दिया था, लेकिन टिकट मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का कमल थाम लिया।